तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हो मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर, यहाँ पर गाइस बहुत तरीके की जो है अलग अलग तरीके के यहाँ पर कैलकुलेटर ऐप्स हैं। गाइस इन कैलकुलेटर ऐप्स का काम क्या होता है, अगर आप अपने कोई भी पर्सनल फ़ोटोज़ या फिर वीडियोस को छुपाना चाहते हो तो गाइस आसानी से जो है आप इसके अंदर अपने की कोई भी फ़ोटो या फिर वीडियो को छुपा सकते हो। लेकिन गाइस आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इनमें से गाइस कोई भी अगर कैलकुलेटर है, जैसे कि हाइड्यू कैलकुलेटर है या फिर कैलकुलेटर वोल्ट है या फिर कैलकुलेटर लॉक ऐप है या कैलकुलेटर हाइड ऐप है, कोई भी गाइस कैलकुलेटर है, अगर गाइस उसको आपने डाउनलोड किया है अपने मोबाइल में, उसके अंदर अपने फ़ोटोज़ या फिर वीडियोस को अगर आपने हाइड किए हैं और बाद में अगर उसका पासवर्ड जो होता है उसको गाइस अगर आप भूल गए हो तो वो पासवर्ड आप कैसे पता कर सकते हो। जैसे गाइस मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर चलता हूं, तो गाइस यहां पर मैं एक कैलकुलेटर वोल्ट का ये कैलकुलेटर मैं यूज़ करता हूं, और गाइस मैं अब इसको जो है ओपन करता हूं। गाइस मैं इसको जब इस तरीके से ओपन करूंगा तो यहां पर आप देख सकते हो इस ऐप के ऊपर क्लिक कर देने के बाद गाइस ये जो है हमारे सामने कुछ इस तरीके का डेस्कटॉप ओपन हो जाएगा, और गाइस उसके बाद जो है हमारे सामने कुछ इस तरीके का डेस्कटॉप देखने को मिल जाएगा। तो गाइस अब यहां पर जो है जब तक हम पासवर्ड अपना फिल नहीं करेंगे तब तक गाइस ये जो है कैलकुलेटर खुलने वाला नहीं है। तो इसी तरीके से गाइस अगर आपका ये वाला कैलकुलेटर नहीं है, दूसरा कोई कैलकुलेटर है, तो उसमें भी गाइस आपको सेम तरीके की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। गाइस ये जब तक आप यहां पर पासवर्ड जो है अपना फिल नहीं करोगे तब तक तो गाइस ये खुलने वाला नहीं है। तो गाइस अब यहां पर जो है मैं इस कैलकुलेटर को खोलने के आपको दो तरीके बताने वाला हूं। तो गाइस इस वीडियो को अब आगे जो है आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा। अगर गाइस दो जो तरीके मैं आपको बताने वाला हूं, उन दो तरीकों में से एक ना एक तरीका जो है गाइस आपके मोबाइल में जरूर काम आएगा, इसलिए गाइस आप जो है दोनों तरीकों को जो है पूरा लास्ट तक जरूर सुनिएगा। तो गाइस जो पहला तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ये है कि आपका जो भी कैलकुलेटर ऐप है उसको जब आप उसके ऊपर क्लिक करोगे और इस तरीके का जब डेस्कटॉप आपके सामने ओपन हो जाएगा, तो गाइस अब यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर आपको लिखना है 1122334। इस तरीके से जब आप लिखोगे और इक्वल टू के ऑप्शन के ऊपर जब गाइस आप क्लिक कर दोगे तो यहां पर अब आपके सामने कुछ इस तरीके का डेस्कटॉप ओपन हो जाएगा, और गाइस यहां पर ऊपर साइड में एक क्वेश्चन लिखा हुआ है वेयर यू आर बर्न। इस क्वेश्चन के अलावा कोई दूसरा क्वेश्चन भी आपके मोबाइल में हो सकता है। गाइस जब आप अपना अकाउंट इस ऐप के अंदर बना रहे थे तो उस वक्त गाइस आपके सामने इस तरीके का डेस्कटॉप ओपन हुआ होगा, और गाइस आपके सामने कोई ना कोई क्वेश्चन आया हुआ होगा और उस क्वेश्चन का आपने आंसर भी गाइस जरूर फील किया होगा। तो गाइस वही क्वेश्चन आपको यहां पर देखने को मिलेगा, और जो उस क्वेश्चन का आंसर जो आपने फील किया था वो आपको इस बॉक्स के अंदर फील करना है। तो गाइस अगर वो आंसर अगर आपको याद है तो गाइस वो आंसर आपको यहां पर फील कर लेना है। जो आंसर गाइस मैंने फील किया था मैं भी वही यहां पर फील कर लिया हूं, और डन के ऑप्शन के ऊपर जो गाइस अगर मैं क्लिक करूंगा तो जो मेरा पासवर्ड होगा कैलकुलेटर का वो गाइस मेरे सामने कुछ इस तरीके से नीचे साइड में देखने को मिल जाएगा। तो गाइस यहां पर साफ तौर पर मुझे देखने को मिल रहा है योर पासवर्ड इज 1231। इसके बाद गाइस मुझे अपना पासवर्ड पता चल गया है। अब मैं डन वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देता हूं और इसको गाइस पूरी तरीके से क्लियर यानी कि कट कर देता हूं, और उसके बाद जो वो उस ऑप्शन के अंदर मुझे दिख रहा था जो पासवर्ड, वही पासवर्ड मैं यहां पर फिल कर देता हूं। तो वहां पर पासवर्ड था 1231, तो गाइस मैं फिल करता हूं 1231 इस तरीके से, और इक्वल टू वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूंगा। तो गाइस आप देख सकते हो हमारा कैलकुलेटर जो है पूरी तरीके से गाइस ओपन हो चुका है। तो गाइस ये हो गया पहला तरीका। और गाइस अगर मान लो गाइस अगर जो है कि आपको वो जो योर क्वेश्चन था उस योर क्वेश्चन का अगर आपको आंसर नहीं पता है तो भी गाइस उसके लिए भी मैं आपको एक तरीका बताने वाला हूं। तो गाइस आप जो है वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करते हुए नहीं चलिएगा। तो गाइस आपको जो है जैसे कि आप देख सकते हो यहां पर अब गाइस आप जो है अगर 1122334 इस तरीके से फिल करते हो, इक्वल टू वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हो, और गाइस ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है अगर ये नीचे साइड में जो बॉक्स है उसका आंसर अगर आपको नहीं पता है कि जब आप अपना अकाउंट बना रहे थे तो उस वक्त आपने उस क्वेश्चन का क्या आंसर फिल किया था, अगर वो आपको बिल्कुल भी याद नहीं है तो गाइस आपको जो है बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो है सिंपली अपने ऐप से बाहर आ जाना है। अपने इस ऐप से बाहर आ जाने के बाद गाइस आप सिंपली आपको करना क्या है, आपको जो है गाइस इस कैलकुलेटर को, जो कैलकुलेटर आपका होगा उस कैलकुलेटर को जो है गाइस आपको सिंपली जो है डिलीट कर देना है। तो गाइस हम जो है अपने इस ऐप को पूरी तरीके से डिलीट कर देते हैं। गाइस अब जैसा कि आप देख सकते हो वो जो हमारा ऐप था वो हमने डिलीट कर दिया है। तो गाइस उस ऐप को डिलीट करने के बाद अब जो है आपको चलना है अपने प्ले स्टोर के अंदर, और गाइस प्ले स्टोर के अंदर जाने के बाद जो आपका कैलकुलेटर वाला ऐप था जिसको आपने जो है जिसका आप पासवर्ड भूल गए थे और जिसको अभी आपने डिलीट किया है, उसको गाइस आपको जो है उसी ऐप को जो है वापस से आपको जो है इंस्टॉल कर लेना है। तो जो भी गाइस आपका जो है ऐप होगा उस ऐप को जो है आप उसके ऊपर जो है इस तरीके से क्लिक करके, और गाइस उस तरीके से इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो है आप उसको पूरी तरीके से गाइस डाउनलोड कर लेना है उसको। गाइस जैसा कि आप देख सकते हो वो जो ऐप था हमारा उसको जो है हमने डाउनलोड कर लिया है, और गाइस हमारे मोबाइल के स्क्रीन पर भी वो ऐप आप देखने को आपको मिल सकता है। तो गाइस हमने जो इसको डिलीट किया था और अब जो है वापस इसको इंस्टॉल किया है, तो गाइस हम जो है इसके ऊपर क्लिक करते हैं। इसके ऊपर जो है कुछ इस तरीके से गाइस क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरीके का गाइस डेस्कटॉप देखने को मिल जाएगा। तो गाइस
गाइज जब तक ये प्रोसेसिंग जो है कंप्लीट नहीं होती थोड़ा सा हम जो है इंतजार यहाँ पर कर लेते हैं। गाइज इसके ऊपर इस तरीके से क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का डेस्कटॉप जो ओपन होगा। तो गाइज अब यहाँ पर जो है आपको अपना लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है। गाइज लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद आपको जो है ऊपर साइड में डन का ऑप्शन दिखेगा, उसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। डन के ऑप्शन के ऊपर जो है इस तरीके से क्लिक कर देने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का डेस्कटॉप जब ओपन हो जाए तो यहाँ पे आपको जो है नीचे साइड में नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देने के बाद जो है गाइस आपको वापस से नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, और उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको गेट स्टार्टेड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। गेट स्टार्टेड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देने के बाद कुछ ऐड वगैरह आपके सामने आएंगे, उनको आपको जो है कट कर देना है। इस तरीके से गाइस आप इतना करने के बाद जब आप इतना कर लोगे गाइस अब जो है आपके सामने कुछ इस तरीके का जब डेस्कटॉप ओपन हो जाएगा तो गाइस अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको जो है गाइस अब नया पासवर्ड यहाँ पर फिल करना है। गाइस आपसे जो है आपको यहाँ पर नया पासवर्ड फिल करना है, लेकिन आपसे जो है पुराना वाला पासवर्ड यहाँ पर आपसे नहीं मांगेगा। तो गाइस आपको जो है यहाँ पर नया पासवर्ड अपना फिल कर लेना है कुछ इस तरीके से, और उसके बाद जो है गाइस आपको इक्वल टू वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, और वापस से गाइस आपको जो है फिर से वही पासवर्ड वापस यहाँ पर आपको लिखना है, और उसके बाद गाइस आपको फिर से इक्वल टू वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। इक्वल टू वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देने के बाद गाइस आप यहाँ पर आ सकते हो, जैसा कि वापस से आपसे जो है एक सिक्योरिटी क्वेश्चन है और उसका आंसर आपसे पूछ रहा है। अगर सिक्योरिटी क्वेश्चन आप जो है बदलना चाहते हो तो आप सिक्योरिटी क्वेश्चन वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर सकते हो, और यहाँ से जो है आप क्वेश्चन बदल सकते हो। क्वेश्चन बदलने के बाद आप जो है जो भी आंसर आप चाहते हो फिल करना वो आंसर आपको यहाँ पर लिखना है, और उसके बाद गाइस यहाँ पर जो है इस तरीके से आंसर लिख लेने के बाद आपको जो है नीचे साइड में नेक्स्ट ऑप्शन दिखेगा, उसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लेने के बाद गाइस आपके सामने कुछ इस तरीके का जब डेस्कटॉप ओपन हो जाएगा तो गाइस नीचे साइड में आई गॉट इट का ऑप्शन आपको दिखेगा, उसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। आई गॉट इट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देने के बाद गाइस आप देख सकते हो बहुत ही सिंपल सा यह तरीका है, और गाइस इस तरीके की वजह से जो हमारा कैलकुलेटर ऐप था वो पूरी तरीके से गाइस ओपन हो चुका है। गाइस अगर आप जो है कैलकुलेटर ऐप का पासवर्ड भूल गए हो तो कुछ इस तरीके से गाइस जो दो तरीके मैंने आपको बताए हैं, इन दो तरीकों की मदद से आप जो है अपने पासवर्ड को जो है आप पता कर सकते हो। तो आइए आपकी वीडियो पसंद आएगी गाइस, अगर आप इस चैनल पर नए हो और चैनल गाइस अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जरूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो।